आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और हम खा रहे हैं छली उबली हुई। आप लोगों ने हमें ज्वाइन करना है तो आ जाए हमारे साथ। मजेदार। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। छली वाले भाई आए हुए थे तो मैंने छली ले ली। मम्मा ने भी ली, अम्मी ने भी ली, हम सब ने ली। मेरी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, आज देखो हम सब ना छली खा रहे हैं, और मेरे लिए आहट लेके आए मिसाले वाली छली। मैंने इसको कहा हल्का मिसाल लगवाना, इसने पूरा ही फुल लगवा दिया। मम्मी ने कहा अपने लिए ले लो, तो फिर खाना दो। माला ने बनाया उनका, तो हम फिर उनके लिए चाय बना रहे हैं। अम्मी ने भी छोटी को उठाया हुआ है, ये देखे उनकी काकी को, इसका नाम है ईर्ष्या। हंस के दिखा, हंस के दिखा, इसी के लिए तो आए हैं। ओए काकीस, चाय बन गई है तो ये मामू की और उनकी बहू की आप दे दें, पप्पो के फिर बनाती हूँ। ठीक है, मेहमान चले गए हैं हमारे, तो अब हम अपनी रोटी बना रहे हैं। सालन तो है, रोटी नहीं बनी हुई थी, तो भूख अभी नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो उनके साथ बैठ जाते हैं, मामा लोग के साथ, तो फिर वो जब चले जाएंगे फिर रोटी बना लेंगे। अब बना रही हूँ रोटी, और आज मौसम इतना अच्छा है, ठंडी हवा चल गई है, मतलब फुल सर्दियाँ आ चुकी हैं। गर्मी में बंदा इतना तंग रहता है ना गर्मी से, इतने गर्मी के सताए हुए हैं कि वो ठंडी ठंडी हवा अभी जो है ना वो बड़ी अच्छी लग रही है, और बहुत प्यारा मौसम लग रहा है। लेकिन खैर सो नहीं सकते बाहर, क्योंकि रात को सर्दी लगेगी। और आज अम्मी ने जो है ना वो कंबल भी धो के रखा है, धोने हैं दोनों कंबल, तो बाहर नहीं सो सकते। बाहर से तो कंबल तो लाजमी होना चाहिए, बल्कि अब तो इतनी सर्दी हो गई, कंबल में भी सर्दी लगेगी बाहर, अंदर ठीक है मौसम। एक कटोरी सालन हमारा रखा हुआ था फ्रिज में, जो हमने कल सालन बनाया था, और एक कटोरी सालन हमें शुमायला ने दिया, और शुमायला ने भी चिकन ही पकाया था, तो ऐसे हमारा खाना हो गया। रात को 10 बजे जी बारिश शुरू हो गई है, ये देखें कितनी बिजली चमक रही है। अभी वॉशिंग मशीन हमें अंदर कर रहे हैं, और जो कपड़े बाहर थे वो मैं करीब उतार के मैं अंदर रख लूं। यहाँ पे अली की बाइक खड़ी है, ओए बारिश तेज है, ये देखो बिजली बहुत चमक रही है, ये देखो। अल्लाह रहम करे जी, ये बारिश सबके लिए रहमत की बारिश हो, सर्दियों की पहली बारिश आ गई जी, मुबारक हो सर्दियाँ आ गई हैं। ख्याल से ये हो रहा है जी मेरा नाश्ता, ये है चाय, और साथ में है ये बाकर खानी, और ये प्लेट में आप ये ना समझिएगा कि प्लेट जो है वो बगैर धुली हुई है, ये धुली हुई है लेकिन ये इसके ऊपर निशान है, और ये बाकर खानी चाय के साथ खा रही हूँ। ये है हल्का फुल्का सा नाश्ता, और रात को मौसम बहुत अच्छा था, सारी रात ठंडी ठंडी हवा रही है, बारिश शुक्र है फिर ज़्यादा नहीं आई थी, थोड़ी बहुत ही आई है, फिर साफ हो गया था आसमान,
नाश्ते के फौरन बाद ही फिर मैंने बर्तन धो लिया और आज तो सिर्फ चाय बनाई थी, सिर्फ चाय के बर्तन ही थे। अच्छा जी, अक्सर ही मेरे शौहर बताते रहते हैं कि जो उनकी दूसरी बीवी हैं उनकी कमर में बहुत दर्द रहता है, क्योंकि सी सेक्शन हुए हैं, दूसरा ये कि फिर एक दो मिसकैरेज भी हुए हैं, तो इस वजह से वो कहते रहते हैं कि खड़ी होकर जब रोटी बनाती है तो उसको रोटी बनाने में मुश्किल लगता है, कमर में उसकी इतना दर्द रहता है। तो मैं उनके मुँह पर तो कुछ नहीं कहती हस्बैंड को, लेकिन वैसे मैं दिल में सोचती हूँ कि जब शौहर आपके पास हो ना तो आपकी तकलीफ सुनने वाला हो, जो आपका एहसास करे। फिर तो बीवी फिर अपनी छोटी छोटी तकलीफ शौहर को बताती है, लेकिन जो बीवी दूर रहती है शौहर से, जिसको पता है हमने करना ही करना है, तो वो फिर बड़ी से बड़ी तकलीफ भी सह जाती है। हाँ जी, अब सर्दियों की आमद आमद है, बल्कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो अम्मी ने रात को कम्बल भी धो दिया था। जब हमने पिछले दफा गर्मियाँ जब आई थी ना, तो कम्बल रख दिया था, धो के नहीं रखा था, ऐसे ही रख दिया था। अम्मी ने ही धोना होता, मैं तो धो नहीं सकती, तो अम्मी को नहीं, अम्मी में हिम्मत थी धोने की, तो ऐसे ही रख दिया था। लेकिन अब जब निकाला है ना, तो अब जाहिर है वो मैला है, तो उसको धोना चाह रहे थे हम। अम्मी ने रात को भी धो तो दिया, लेकिन अम्मी उस कंबल को पूरा धो नहीं सकती हैं, काफ़ी वो जोर लगाना पड़ता है, भारी होता है कंबल, फिर ये कि वो बड़ा मेहनत तलब काम है। तो अम्मी के पाँव में भी वो जो जख्म है, अम्मी को उसका भी डर है, मतलब जख्म तो नहीं है अब, लेकिन ऊपर से जो नाखून है ना वो सारा उतरा हुआ है ना, तो अम्मी को डर लगता है कि कोई चोट ना लग जाए, इसलिए फिर अब अम्मी कह रही कि कंबल अगर मैं धोऊंगी तो मैं थक भी जाऊंगी, दूसरा ये कि मुझे अपने पाँव का डर है कि चोट ना लग जाए। तो फिर हमारी गली में एक खातून रहती हैं जो कि घरों में काम करती हैं, कोई भी काम हो, जैसे सफाई हो, झाड़ू हो, बर्तन हो, कुछ भी काम हो घरों में, तो वो कर देती हैं पैसे लेकर। तो मैंने अम्मी को कहा है कि आप ऐसा करें, उनसे जाके बात करें, उनको कहें कि वो कंबल धो दें, तो जो पैसे जो बनेंगे जितना भी वो कहेंगी ना, हम उनको दे देंगे और हमारे दोनों कंबल वो धो दें। तो रात को भीगा हुआ तो है कंबल, तो अभी अम्मी गई हैं तो उन खातून को बुला के आई हैं, अब वो आ रही हैं हमारा कंबल धोने, एक आज धोएंगी और एक कल धोएंगी, तो इस तरह से हमारे दोनों कंबल भी धो जाएंगे और यह कि अम्मी भी नहीं थकेंगी। ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर लेते हैं, फिर ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।